हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 13 मार्च 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइन न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्पेशल नॉलेज में कल वाली जो भी टॉपिक रहे थे वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम टू डेज रिपीट करते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। स्टेट में हम कल की तरह सिक्किम को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कल वाले ही रहेंगे, और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी कल जो फॉर्म हुए थे वही रहेंगे। ओके, इसका कारण ये होता है कि हम वही रिपीट इसलिए करते हैं, जिससे एक वन टाइम में पढ़ते हैं तो हो सकता है थोड़ा कम याद हो, दूसरे टाइम में आपको अच्छे से याद हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं मोटिवेशन कोट क्या है। तुम चाहे तेज ना चलो, पर याद रखो रुकना नहीं है। तो एक इंग्लिश में भी कहते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमे पर निरंतर जो चलता रहेगा वो हमेशा रेस जीत जाता है। ऐसे कई ऐसी कहानियाँ भी बनी हुई हैं, जैसे वो कछुआ और खरगोश की कहानी सभी बच्चों ने सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज़ भागता था, फिर वो सो गया, और कछुआ अपना निरंतर धीरे 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 चलता गया और वो जीत गया रेस। इसी प्रकार आपको भले आप बहुत सारा नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पर धीरे धीरे तैयारी करते जाइए करते जाइए, और आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जब आप निरंतर चलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज की न्यूज़ क्या रहेंगी। पहली न्यूज़ रहेगी महत्वपूर्ण दिन से, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 12 मार्च को। अर्थव्यवस्था से रहेगी दूसरी न्यूज। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा वर्ष 2020 के लिए अनुमानित किया गया भारत का विकास दर कितनी है। भारत की जीडीपी जो है वो रहेगी मूडीज़ के अनुसार 5.3%। अब आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? मूडीज लिख लीजिए, एक और यहाँ पे लिख दीजिए 5.3% जीडीपी। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारत की जीडीपी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस 2020 के अनुसार क्या है, तो 5.3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार कोविड-19 का प्रकोप वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कितने फीसदी सिकोड़ सकता है। तो 5 से 15% तक बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। ये जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से, कोरोना वायरस को WHO ने ऑफिशियल नेम दिया कोविड-19। कोविड-19 में जो CO है, इसका मतलब हो गया कोरोना, और V का मतलब हो गया वायरस, VI का मतलब वायरस, और D का मतलब हो गया डिजीज़, और 19 मतलब 2019। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और भारत में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है, और जो भी विदेशी दौरे हैं वो भी रद्द कर दिए गए हैं, और विदेशी आम नागरिक भी विदेश नहीं जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना कंट्रीज़ में, जिस कंट्रीज़ में, वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा भी रद्द कर दिए गए हैं, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। और हिदायत भी दी गई है कि आप ऐसी कंट्रीज़ में विज़िट मत कीजिए जहाँ पर कोरोना वायरस का प्रकोप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में शांति प्रक्रिया में हाल ही की प्रगति का स्वागत करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है, तो अफ़गानिस्तान में। अब अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है कि शांति प्रक्रिया में हाल की प्रगति का स्वागत करने के लिए इन्होंने ये प्रस्ताव अपना लिया है। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी होती है काबुल, और अगर अफ़गानी या कि करेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम शंकरलाल संगीत समारोह का 73वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। तो किस शहर में आयोजित हुआ था, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, श्री शंकरलाल संगीत समारोह का नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ये कौन सा संस्करण था, तो ये 73वां संस्करण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल महासचिव ने सुझाव दिया कि राष्ट्रमंडल कोष में से एक का नाम किस नेता के नाम पर रख दिया जाए। तो जो राष्ट्रमंडल के सचिव है, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो राष्ट्रमंडल कोष है उसका नाम आप किसी नेता के नाम पर रख सकते हैं, तो नाम कौन सा है, तो
तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनसे एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट घाट पर 182 मीटर की सबसे लंबी प्रतिमा इनकी बनी हुई है अब तक दुनिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 भारत के कई राज्यों में लागू किया गया है? तो आयुष्मान भारत PMJAY के तहत हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 भारत के कई राज्यों में लागू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि किस वर्ष से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल बैग का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा? तो अब जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि सैनिटरी नैपकिन और डिस्पोजल बैग जो होते हैं वो 2021 तक बहुत अनिवार्य हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने महिलाओं में डिजीप वोट नाम से एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जो एक विराम के बाद अपने काम को फिर से शुरू करना चाहते हैं? तो अब गूगल इंडिया ने क्या किया है कि एक डिजीप वोट नामक कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें जो लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने काम को विराम दे दिया, मतलब किसी कारणवश वो कार्य जो कर रही थी वो रोक दिया है, उसको अगर वे फिर से शुरू करना चाहती हैं तो गूगल उनका सपोर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य 50,915 परियोजनाओं की कुल संख्या के साथ देश भर में छत पर 16 परियोजनाओं की अधिकांश सूचनाओं की सूची में सबसे ऊपर है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, रूफ टॉप में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? रूफ टॉप सोलर योजना जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारी छत होती है उस पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो उस पर क्या होता है, बिजली की बचत भी होती है और हम सौर ऊर्जा का प्रयोग अच्छे से करते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर आ गई है गुजरात और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में पहली महिला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला महाप्रबंधक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसकी पहली महिला प्रबंधक जो बनी उनका नाम है लतिका कुंडू, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो वो है बैरोनेस पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो है राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्व सैनिक जो ज्यूरिख में आयोजित किए जाने वाले साइवाथलॉन 2020 में पावर्ड एक्सोस्केलेटन दौड़ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो कौन कौन से सैनिक हैं? तो वो हैं अजीत कुमार शुक्ला और अरुण पाल, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे किसमें, पावर्ड एक्सोस्केलेटन दौड़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के कल्याणी शहर में खेले गए आई लीग 2020 फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का विजेता संघ कौन सा है? तो वो है मोहन बागान एजेवाल संघ को इन्होंने हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम से एक अभियान शुरू किया जो कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए पारंपरिक भारतीय शैली को प्रोत्साहित करता है? तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम से एक अभियान शुरू कर दिया जो कि कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए पारंपरिक भारतीय शैली को प्रोत्साहित करता है, मतलब कि अब हाथ नहीं मिलाना है और नमस्ते करना है, 10 फीट की दूरी पर रहेंगे, तो आपको सभी के लिए है ये कि अगर आप किसी भी खांसी या जिसको भी जुकाम वगैरह है उससे 10 फीट की दूरी पर रहेंगे और हाथ ना मिलाएंगे तो गले नहीं मिल के आप नमस्ते करेंगे तो आपकी जो हिंदुत्व है उसकी भी प्रसार होगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो हैंड नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम का अभियान कहाँ शुरू किया गया, कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BK जौहरी जी को, ये कौन बने, मध्य प्रदेश पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंदी रोधी अंगूरों की एक नई संकर किस्म जो कि आगरकर अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई, उसका नाम क्या है? ARI
516 मतलब कि 516। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग करके HIV से मुक्ति पाने वाला दुनिया का दूसरा व्यक्ति कौन है? तो दूसरा व्यक्ति है जो कि HIV मतलब एड्स से उन्होंने मुक्ति पा ली है या उनका एड्स ठीक हो गया है, तो वो है एडम कैस्टिलेजो लंदन, और प्रथम व्यक्ति जो थे जिन्हें HIV से मतलब कि निजात मिल गई थी, तो वो थे टिमोथी ब्राउन बर्लिन। तो ये दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे संबंधित देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान में क्या क्या दिया है। अब किरण योजना की फुल फॉर्म अगर पूछ ली गई तो आप क्या बताएंगे? तो किरण योजना की फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नेचरिंग। ओके अब नेक्स्ट है कायस नूर बन रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसे कहते हैं बंदर बुखार। PCS का अगर कोई एग्ज़ाम लिखता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिल जाएंगे। ओके तो भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्रमंडल राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1931 में हुई थी राष्ट्रमंडल की स्थापना, और लंदन और ब्रिटेन इसका मुख्यालय हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 2008 को हुई, मुख्यालय मुंबई में आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके एंड आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर डेली मोशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह हमारा अकाउंट आपको तैयारी बिगनर्स किक के नाम से मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए खबरी ऐप पर आपको हमें फॉलो भी करना है और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करना है। यहाँ से वीडियो देखिए, वहाँ से ऑडियो रिवीजन कीजिए, आपका काफ़ी बेटर और बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ओके तो वहाँ से आपको फॉलो भी करना है और वहाँ ऑडियो रिवीजन ज़रूर करना है। एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिससे जो भी क्लासेस होती है उनकी PDF आपको मिल जाएंगी। ओके तो आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, एंड शेयर भी कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब बात कर लेंगे न्यूज़ की क्या क्या रहेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर पर विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो विश्व बैंक भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश में जल प्रथाओं का प्रबंधन और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में फैली है, 428 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। परियोजना में 4 लाख से अधिक छोटे धारक किसानों, देहाती समुदायों और महिलाओं को लाभ मिलेगा। ओके तो अब देख लीजिए, विश्व बैंक को भारत सरकार के बीच और हिमाचल सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है। क्यों हुआ है? हिमाचल प्रदेश में जल प्रथाओं का प्रबंधन करने के लिए और कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए। कितने अमेरिकी डॉलर का? 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्होंने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये परियोजना जो है 10 जिलों में फैली हुई है। इसके अंतर्गत 428 ग्राम आ जाएंगे, 4 लाख किसानों के लिए ये परियोजना लागू की गई और इसमें महिलाओं को भी लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL की मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका में लॉजिस्टिक आधार तैयार करने की योजना है। कल हमने ऑनलाइन में ये न्यूज़ फॉर्म की थी, आज डिटेल फॉर्म में देख लीजिए। राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस और अन्य सैन्य हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए अन्य देशों को समझाने के लिए वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में लॉजिस्टिक आधार पर स्थापित करने की योजना बना रहा है। सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर बेचने के अलावा लॉजिस्टिक केंद्र भी बिक्री के बाद कई सेवाएं प्रदान करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में महिला T20 विश्व कप
2020 जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ पांचवा 2020 विश्व कप खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एलिसा हीली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। क्वेश्चन बन सकता है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो एलिसा हीली को। उनकी टीम साथी बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वे ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सलामी जोड़ी थे और 115 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकमा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग विलेनियर इंडेक्स के अनुसार चीनी बिजनेस चुंबक और अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैकमा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जैकमा ने यह खिताब हासिल किया जो कि भारतीय ऊर्जा टाइकून श्री मुकेश अंबानी के पास था। जैकमा अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इनकी कुल नेटवर्थ जो है 44.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ओके, तो अभी तक मुकेश अंबानी जी थे इस प्लेस पर, अब ये सेकेंड प्लेस पर आ चुके हैं और फर्स्ट प्लेस पर आ गए हैं जैकमा और इनकी कंपनी है चुंबक और अलीबाबा ग्रुप। इनकी नेटवर्थ अगर पूछ ली जाए तो 44.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए 15 कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसे बनाने के लिए 15 कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया है। 11 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, डेफ एक्सपो जो हुए 2020 वो भी लखनऊ में ही हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि सरकार द्वारा 15 कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। जिन 15 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है उनकी घरेलू और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक उत्पादन की क्षमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने CAPF कार्यों को तेज करने के लिए 2 विशेष समितियों का गठन कर दिया है। ओके, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने संबंधित मुद्दों और अनुमोदन से निपटने के लिए 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 विशेष समितियों की स्थापना की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में विभिन्न विषयों में कुल 10 लाख कर्मचारी हैं। पहली समिति गृह सचिव की अध्यक्षता में होगी और गृह मंत्रालय सशस्त्र बलों के बीच तय किए गए मुद्दों से निपटेगी। दूसरी समिति की अध्यक्षता सीमा प्रबंधन के सचिव करेंगे, खरीद के मुद्दों को संभालेंगे। ओके, जो गृह मंत्रालय है उन्होंने CAPF से कहा है कि कार्यों को तेज करने के लिए 2 विशेष समितियों की गठन कर दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने 2 गठन कर दिया 2 समितियों का, जब क्या रखेंगे मुद्दे जो इनसे संबंधित मुद्दे और अनुमोदन रहेंगे उससे निपटने के लिए ये समितियों का स्थापना की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह में आयोजित होने वाला 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, इस वर्ष लेह में आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब थीम वगैरह तो तभी पता रहेगी कि इसकी थीम क्या रहेगी। यह आयोजन पहले की तरह होगा, यहाँ कई लोग एक साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र पर योग करने के लिए आएंगे। इस कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार किए गए 45 मिनट लंबे योग अभ्यास शामिल हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 से 20,000 लोग प्रधानमंत्री के साथ ड्रिल में भाग लेंगे। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा कि 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया, कहाँ आयोजित किया गया, तो लेह में। अब लेह से आपको याद आ जाना चाहिए लद्दाख। लद्दाख जो है एक बन गया है यूटी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ के उपराज्यपाल अगर पूछ ले जाए तो वो है RK माथुर। ओके, लद्दाख की कैपिटल लेह है और यहाँ पे 2 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, एक लेह और कारगिल। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को को। यूनेस्को की फुल फॉर्म हिंदी में होती है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में कहेंगे, याद रखिएगा, इंग्लिश में बहुत अच्छे से कभी कभी पूछ ली जाती है यूनेस्को की। यूनेस्को स्टैंड फॉर तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजौले। तो अब स्थापना कब हुई,
तो हुई थी 4 नवंबर 1945 को, और भारत 1946 में इसका सदस्य बन गया था। हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो पेरिस में है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी होगी। ओके, अब बात करेंगे स्टेट की। तो स्टेट में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिक्किम राज्य को। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गैंगटोक, और सबसे बड़ा शहर भी गैंगटोक है। ज़िले अगर सिक्किम में पूछ लिए जाए तो वो 4 है। राजभाषा यहाँ पर बहुत सारी है, अंग्रेजी, भूटिया, गरुड़, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया, नेपाली भाषा, राई, शेरपा, तामर, ये सभी जो हैं सिक्किम की राजभाषाएं हैं। गठन अगर पूछ लिया जाए तो 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन हुआ। राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए तो गंगा प्रसाद जी हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 32 हैं। राज्यसभा की सीट एक है और लोकसभा की सीट जो है एक है। राजकीय पशु लाल पांडा है। राजकीय पक्षी ब्लड पेजेंट है। पर्वत अगर पूछ ले जाए सिक्किम के तो हिमालय, छोंकिया, संगलीला और चोला पर्वत जो है सिक्किम के अंदर आते हैं। पर्वत शिखर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंचनजंगा जो है सिक्किम का पर्वत शिखर है। 5,579 मीटर की इसकी लंबाई है। नदियां अगर पूछ ली जाए तो तीस्ता और रंजित नदी जो है आपको सिक्किम के अंदर मिलेगी। राष्ट्रीय पार्क में खांगचंद जोंदा राष्ट्रीय उद्यान, गंगटोक राष्ट्रीय उद्यान, देवाराली राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगे। प्रमुख दर्रे अगर पूछ ले जाएँ तो दचिला, किंगरीला, चोर त्रेन, एंशमाला, नाटुला, जेलेपला, सिंगलीला, ये सभी दर्रे आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगे। ओके, सिक्किम को सिक्किम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और ये अंगूठे के आकार का लगता है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम में नेपाल से इसका बॉर्डर टच होता है। उत्तर में पूर्व चीन से और तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। ओके, भारत का पश्चिम बंगाल जो है इसके दक्षिण में है। अब इसमें जो आया चीन, चीन की कैपिटल आपको पता ही है बीजिंग। भूटान की होती है नगुल थिम्पू, और करेंसी अगर पूछ ली जाए तो नगुलट्रम। चीन की करेंसी युआन और रेनमिनबी। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन की। तो बैंक के नेम और उनके बैंक स्लोगन ये बहुत आते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में भी आते हैं, वैसे भी आ जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यूपी लेवल के पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? तो वो है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। आंध्रा बैंक की टैगलाइन है मच मोर टू डू विद यू इन फोकस। एक्सिस बैंक की बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो टैगलाइन है वो है वन फैमिली वन बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान की टुगेदर वी प्रॉस्पर। ओके, बंधन बैंक की आपका भला सबकी भलाई। केनरा बैंक की इट्स इजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव, टुगेदर वी कैन। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस सेंट्रल टू यू सिंस 1911। कॉरपोरेशन बैंक की जो टैगलाइन है वो है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल सिटी। ओके, यूनियन बैंक की अगर पूछ ली जाए तो वो है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। ओके, धनलक्ष्मी बैंक की अगर टैगलाइन पूछ ली जाए तो तन मन धन जो है धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन है। फेडरल बैंक की अगर टैगलाइन पूछ ली जाए तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, एचडीएफसी बैंक की अगर टैगलाइन पूछ ली जाए तो वो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। आईसीआईसीआई बैंक की अगर पूछ ली जाए टैगलाइन तो वो है ना हम है ना ख्याल आपका। ओके, तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी, एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए होमवर्क हो गए, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं दोनों की फुल फॉर्म, नहीं तो हम कल बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य ये ट्रेन चलती है। ओके, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के लॉर्ड जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ओके,
तीसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। अब कोयला किस सेल का उदाहरण है? तो अवसादी सेल का उदाहरण है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी या पर्वत प्रणाली कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत। ओके, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से सन में स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में। करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ओके, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से आर्टिकल जो है संविधान में वो कौन सा है? तो 25 से 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग 0.03% प्रेजेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के द्वारा अल हिलाल को प्रारंभ किया गया था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के डिटेल करंट न्यूज़, वन लाइनर न्यूज़ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से जो भी PDF है उसे प्राप्त कीजिए। खबरी ऐप पर हमें फॉलो करें, वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर करें। और आप कोई क्वेरी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करने की ज़रूर प्रयास कीजिएगा। और आपको क्या करना है कि ट्विटर, शेयर चैट, डेली मोशन और हेलो टिकटॉक पर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ओके, एंड अपना ख्याल रखिए और अपना सपनों का ख्याल जरूर रखिएगा, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और रुकना नहीं है, आपको बढ़ते ही जाना है। जब बढ़ते जाएंगे तो एक दिन सफल आप अवश्य हो जाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद आपको इतना सारा पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।